नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी पनीर टिक्का की रेसिपी, जो बहुत आसान तरीके से बताऊँगी जिसे आप हर हफ्ते बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नई रेसिपी। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो पनीर लिया है, तो अब हम इसको पहले काट लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे पनीर काट लिया, इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ मैंने बाउल में डाल दिया, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ हमने लिए दो प्याज जो मीडियम साइज की है, तो उसको हम काट लेते हैं। तो हम इसको भी चौकोर हिस्सों में काटेंगे, एक प्याज के चार हिस्से करेंगे और इसके जो क्यूब है इनके जो फांक है अलग कर देंगे हम। ये देखिए मैंने दोनों प्याज को इसी तरह से काट लिया है, जो इसका बीच का छोटा छोटा पार्ट था उनका मैंने हटा दिया है। तो इसको भी डाल देंगे बाउल में। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है, अब इसको भी काट लेते हैं। इसके बीज हम निकाल देंगे। मैंने दोनों शिमला मिर्च को बीज हटा दिए हैं, तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको भी हमें चौकोर साइज में काटेंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे। जो बड़ा है तो उसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इस तरह से, ज़्यादा बड़े नहीं छोटे नहीं, इस तरह से हमें सारे पीस काट कर तैयार करने हैं। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च भी काट ली, इसको भी हम बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं एक चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच भरकर ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये तीखी नहीं होती। एक चम्मच ही डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, एक चम्मच ही डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, दो चम्मच यहाँ मैं बेसन डाल रही हूँ, आधा चम्मच नमक, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी दही। दही हमारी बिल्कुल खट्टी नहीं है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल। अब तेल को भी मिक्स कर देंगे इसमें। यहाँ मैंने तेल को भी मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख देते हैं। हमारे इस पनीर के मसाले को रखे हुए आधा घंटा हो गया था फ्रिज में, तो अब हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने ना पानी डाला है ना तेल, अब सीधा हम इसको मसाले को डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को तेज करेंगे, तेज आज पर हम अपने पनीर और शिमला मिर्च प्याज को भून लेंगे। पनीर में से भी पानी निकलेगा, दही भी पानी छोड़ेगी, तो उससे हमारी जो ये सब्जियां है पनीर है वो अच्छे से भुन जाएगी, इसलिए हमने इसमें तेल या पानी कुछ नहीं डाला है। तो अब हम इसको, जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए, हम इसको पका लेते हैं। तो गैस की फ्लेम तेज करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देखिए मैंने अपने पनीर को शिमला मिर्च प्याज को 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया था, ये देखिए। अब हम इसको निकाल देंगे। हमने फिर से उसी कढ़ाई को ले लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल।
यहाँ हमारा तेल गरम हो गया तो डाल देंगे एक बड़े साइज की प्याज को, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारी प्याज भून गई है, तो अब हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ एक चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लेते हैं सिर्फ एक से दो सेकंड के लिए। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भुन गया है, तो अब हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर लिए, उनको पीस लिया है, उसको डाल देते हैं। टमाटर के साथ ही डाल देंगे हम अपने कुछ मसाले। तो यहाँ मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर गिर रही हूँ, एक चम्मच पनीर मसाला, आप चाहे तो पनीर टिक्का मसाला डालें या गरम मसाला, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए ध्यान से डालें। अब इन सबको भून लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन गया है, तेल भी इसने अलग कर दिया है। तो इस समय डाल देंगे हम मलाई। तो मेरे पास थोड़ी सी मलाई थी, थोड़ा मैंने दूध डाल दिया, अगर आप चाहे तो इसमें पूरी मलाई या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको भी अच्छे से मिला देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ देखिए तेल अलग हो गया है, तो हमारी जो मलाई है दूध है वो भी पक गया है। तो अब हम डाल देंगे अपने पनीर को, और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ मेरा पनीर थोड़ा ज़्यादा टूट रहा है, मेरा पनीर थोड़ा अच्छा नहीं आया है। आप अगर इस पनीर टिक्का बना रहे हो तो आप पैकेट वाला पनीर लें। तो अब अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं आधा कप के करीब, और इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं, ढक कर 5 मिनट के लिए पकाते हैं। यह हमारी सब्जी को 5 मिनट हो गए, तो हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। यह हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया। आप इतना ग्रेवी रख के बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे हम। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, अब हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। ये हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया है।